यूपी के बलिया जिले से हैवानियत की एक ऐसी घटना सामने आई है जो पूरे समाज का सिर शर्म से नीचा कर देगी। जहां 100 साल की बुजुर्ग महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया, वहीं हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब पीड़ित मां को न्याय दिलाने के लिए बेटा थाने पहुंचा, तो पुलिस ने बेटे से तहरीर लिखने के नाम पर 5,000 रुपए घूस भी ले लिए। मतलब हमारी माँ के साथ जो है छत से कूद कर, और वो जो है आके जो उसके ऊपर सोया था तो माँ ने चिल्लाई, तो हमारे भाई का लड़का था वो दौड़ कर निकला, पकड़ा उसको लेकिन धकेल दिया उसको हाथ से और इसी छत छत के से भाग निकला। कब की घटना है ये? ये जो है 22 तारीख की है, 21-22 तारीख। अच्छा, तहरीर आपने थाने में दिया था? तहरीर दिया है। तो आज आपकी 29 तारीख है, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? ना, कोई कार्रवाई नहीं जी। तो उसमें पुलिस क्या की आपसे? पुलिस मतलब हमसे पैसा ली है। कितना? 5,000 ली है। वही इस मामले पर बलिया एएसपी संजय कुमार की माने तो पीड़ित परिजनों से मिले तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल महिला पुलिस द्वारा पीड़ित महिला का बयान कराया जाएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रसड़ा की जो घटना बताई जा रही है, इस संबंध में थाना रसड़ा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष जो भी इस प्रकरण में कार्रवाइयां हैं वो सारी की जा रही हैं। सर, किस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है, किन किन धाराओं में? मुकदमा अभी जो उन्होंने तहरीर दी है उसमें छेड़खानी का जिक्र किया है और उसी पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभी पीड़िता का महिला पुलिस द्वारा 161 का बयान, इसके बाद उनका 164 का बयान कराया जाएगा। जो भी उनके द्वारा बताया गया है उस आधार पर उचित धाराओं में इसको किया जाएगा। फिलहाल जो वादी ने तहरीर दी है उस पर अभियोग दर्ज कर लिया। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।